मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई एम सौरभ मौर, गोइंग टू टीच यू कंप्यूटर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेयर्स इन फोटोशॉप। आज हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेयर्स होते क्या हैं फोटोशॉप में? इन प्रीवियस वीडियो I have explained what is Photoshop and some tools of Photoshop like rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, lasso tool. So I hope you have understand these tools. Today I will explain layers, how a layer work and what is the concept of layer, using layer in Photoshop. आज हम बात करेंगे कि ये layers होते क्या हैं और Photoshop में इन layers को use करने का concept क्या है, क्यों हम layers को use करेंगे Photoshop में। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज लेयर। इन फोटोशॉप एन इमेज कैन बी मेड ऑफ सेवरल लेयर्स। सी दिस पिक्चर, दिस पिक्चर है मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स, मेनी लेयर्स। दिस पिक्चर है, दिस इमेज है मेनी लेयर्स। लेयर वन बैकग्राउंड लेयर, लेयर टू, लेयर फोर, लेयर फाइव एक्सेट्रा। इन फोटोशॉप व्हाट एवर इमेज दैट यू सी, यू मेक दीज लेयर्स, दीज पिक्चर्स आर मेड ऑफ सेवरल लेयर्स। आप जितने भी पिक्चर्स देखते हो फोटोशॉप में या बनाते हो, ड्रॉ करते हो, वो बहुत सारे लेयर्स से मिलके बना होता है। ईच लेयर कैन बी अंडरस्टैंड एज अ ट्रांसपेरेंट शीट कंटेनिंग अ पार्ट ऑफ इमेज। अब ये जो लेयर होते हैं उनको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एक एक लेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट एक शीट है जो इमेज का एक पार्ट है। अ लेयर इज अ ट्रांसपेरेंट शीट दैट कंटेन्स अ पार्ट ऑफ इमेज। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ रेड बैकग्राउंड, देन येलो, एंड देन वी हैव टाइप्ड टाइप। यहाँ हमने कलर दो लिया है रेड और येलो, और उसके ऊपर हमने टाइप किया है क्या, ये टेक्स्ट टाइप। अब ये जो थ्री लेयर्स हैं यहाँ, रेड एक अलग लेयर है, लेयर वन, येलो ये क्या है लेयर टू है, और ये जो टाइप किया गया है टेक्स्ट टाइप ये क्या है लेयर थ्री है। टेक्स्ट जो है वो अलग लेयर है लेयर थ्री। देखो यहाँ एग्जांपल में हमने लेयर को क्या कर दिया है, टाइप जो है उस लेयर को हमने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया है, तो बाकी दोनों लेयर क्या है वही सेम है। क्यों? क्योंकि जो लेयर्स होते हैं वो इमेज का एक छोटा सा पार्ट रखते हैं, इमेज का एक पार्ट बस रखते हैं, और उन पार्ट्स को हम एक दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, स्ट्रक्ट कर देते हैं, और इन लेयर्स को स्ट्रक्ट करके हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर? तो सेवरल लेयर्स स्टैक्ड ओवर वन अनदर मेक अप द कंप्लीट इमेज। अब ये जो लेयर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, स्टैक्ड मीन्स एक दूसरे के ऊपर रखे गए होते हैं, और वो पूरा कंप्लीट इमेज बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ हमने बताया कि ये
लेयर्स हैं, रेड एक अलग लेयर है, येलो का एक अलग लेयर है, और ये टाइप जो किया गया है टेक्स्ट वो अलग लेयर है, लेकिन उसको हमने एक दूसरे के ऊपर स्टेक्ड किया है, स्टेक्ड ओवर वन अनदर मेक द कंप्लीट इमेज। सेवरल लेयर्स आर सीड स्टेक्ड ओवर वन अनदर मेक द कंप्लीट इमेज। जो लेयर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जब हम स्टेक्ड कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा कंप्लीट इमेज बन जाता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है लेयर यूज करने का, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। व्हाई? अ कॉम्प्लेक्स लेयर ड्राइंग इज मेड अप ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट। अभी हम इस ड्राइंग की ही बात कर ले तो इसमें बहुत सारे हमने लेयर यूज किए हैं, लेयर वन, बैकग्राउंड लेयर, लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर, तो यहाँ हमने फाइव लेयर्स यूज किए हैं इंक्लूडिंग बैकग्राउंड। तो जितने भी ड्राइंग बनते हैं फोटोशॉप पे वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लेयर्स से मिलके बनते हैं। इफ वी हैव ऑल द ऑब्जेक्ट लेइंग टुगेदर वर्किंग वन ऑब्जेक्ट माइट एक्सीडेंटली स्पॉइल अदर एंड आवर ड्राइंग कुड बिकम अ मेस। इफ दिस ऑल ऑब्जेक्ट्स इज लेइंग टुगेदर, यानी सारे लेयर्स अगर एक साथ होते हैं तो क्या होते हैं, जब भी हम कोई वर्क करते हैं और वो वर्क मान लो एक्सीडेंटली या ऐसे ही स्पॉइल कर गया, या उसमें हमने कुछ ऐसा कलर किया जो कि हमको सिर्फ इस लेयर टू पे करना था और वो स्पॉइल कर गया लेयर थ्री पे, तो क्या होगा, हमारी जो ड्राइंग होगी वो मिस हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेयर्स का यूज करते हैं। अब अगर हम लेयर्स पे काम करेंगे, जैसे यहाँ देखो टाइप जो लेयर है, तो ये टाइप लेयर सिर्फ हमको ड्रैग करना हो, कलर चेंज करना हो, तो सिंपल हम इस लेयर को सेलेक्ट करके ये सारे वर्क कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है लेयर का, कि जब भी हम लेयर किसी सेलेक्टेड लेयर पे कोई एडिटिंग करेंगे, कोई वर्क करेंगे, तो बाकी सारे लेयर्स को बिना डिस्टर्ब किए, बाकी सारे एलिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए, विदाउट द फियरिंग ऑफ स्पॉइलिंग अदर वर्क वी कैन वर्क। हमको ये डर नहीं होगा कि हमारा जो वर्क या जो हम अभी एडिटिंग कर रहे हैं, जो वर्क अभी हम कर रहे हैं, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ना चला जाए, तो ये फियर हमको हम खत्म कर सकते हैं, बिना इस फियर के हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो वी कैन वर्क ऑन वन एलिमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट। क्लियर? तो लेयर होता क्या है, अ लेयर इज सिंपली वन इमेज स्टेक्ड ऑन द टॉप अनदर। ईच लेयर कैन बी अंडरस्टैंड एज अ ट्रांसपेरेंट शीट कंटेनिंग अ पार्ट ऑफ द इमेज। ऐसे हम समझ सकते हैं, अ लेयर इज अ ट्रांसपेरेंट शीट दैट कंटेन अ पार्ट ऑफ द इमेज। लेयर क्या है, अ लेयर इज अ ट्रांसपेरेंट शीट दैट कंटेन्स अ पार्ट ऑफ एन इमेज। लेयर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं द लेयर पैलेट। अ लेयर पैलेट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोशॉप विंडो। द लेयर पैलेट लिस्ट ऑल द लेयर्स, लेयर सेट्स एंड लेयर इफेक्ट इन एन इमेज। जो लेयर पैलेट होता है इसमें हमको उस जितने लेयर्स यूज किए हैं उनका एक लिस्ट ये रखता है। यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री एंड लेयर फोर, तो इनका यूज करके हम इस पैलेट का यूज करके हम लेयर से रिलेटेड डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। इस लेयर पैलेट को यूज करके बहुत सारे हम लेयर से रिलेटेड वर्क
कर सकते हैं। वी कैन अकॉम्प्लिश मेनी टास्क सच एज क्रिएटिंग, हाइडिंग, डिस्प्लेइंग, कॉपिंग एंड डिलीटिंग लेयर यूजिंग द बटन्स इन लेयर पैलेट। हम लेयर्स को क्रिएट करना हो, हाइड करना हो, डिस्प्ले करना हो, कॉपी करना हो, डिलीट करना, ये सारे वर्क जो है वो कर सकते हैं जो ये बटन्स इसमें दिए गए हैं उनका यूज करके। तो लेयर पैलेट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोटोशॉप विंडो का, जिसका यूज करके हम बहुत सारे वर्क लेयर से रिलेटेड कर सकते हैं। क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड बटन्स। ओके, जो लेयर पैलेट में बटन दिए गए हैं उनको हम एक एक करके क्या करते हैं, जानते हैं। सपोज इफ यू हैव स्टार्ट, यू हैव ओपेंड फोटोशॉप एंड यू डिडेंट सी, यू डोंट सी दैट पैलेट, सो यू कैन डिस्प्ले द लेयर पैलेट इन फोटोशॉप, ओपन द विंडो मेन्यू एंड सेलेक्ट द लेयर ऑप्शन। अगर आप फोटोशॉप ओपन किए और आपको ये लेयर पैलेट नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे आप, इसको डिस्प्ले करने के लिए विंडो मेनू पे जाओगे और लेयर ऑप्शंस पे, लेयर्स ऑप्शन को क्लिक कर दोगे तो ये लेयर पैलेट हमको फोटोशॉप विंडो में दिखने लगेगा। क्लियर? अब एक एक बटन की हम बात करते हैं। ये जो आप बटन देख रहे हो यहाँ, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप क्या, एक मेनू आपको मिल जाएगी जिससे आप बहुत सारे कमांड एक्सेस कर सकते हो लेयर्स के। ओके, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो कमांड्स एक लिस्ट आ जाएगी मेनू, उसमें बहुत सारे कमांड्स दिए गए हैं और उन कमांड्स को यूज करके हम वर्क कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जो बटन है ये आई की तरह दिख रही है जो कि लेयर्स के फ्रंट में होगी। इसका काम है लेयर को विजिबल करना, लेयर को शो करना। अब जब ये लेयर से आप इस पर क्लिक कर दोगे, अगर यहाँ आई नहीं दिखता है तो वो लेयर हाइड हो जाएगा। इस बटन पर क्लिक करने से हम हाइड या शो कर सकते हैं। थंबनेल व्यू, अब ये जो है ये थंबनेल व्यू है। थंबनेल व्यू क्या करता है, इट्स सो थंबनेल ऑफ योर इमेज। ये जो आप लेयर है तो उस लेयर पे क्या इमेज है वो एक, उसका एक थंबनेल, एक एग्जांपल, एक छोटा सा व्यू हमको यहाँ दिखाता है। ये जो है वो लेयर नेम है। यहाँ देखो आप, यहाँ क्या है, लेयर्स का नेम है। जैसे लेयर थ्री है तो लेयर थ्री यहाँ लिखा गया। ये जो बटन आपको दिख रही है, इस बटन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। ये बटन जो है क्रिएट और न्यू लेयर बटन है, इस पर क्लिक करके हम एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। ऐड अ लेयर स्टाइल आइकॉन, ये जो आइकॉन आप दिख रहे हो, ये जब लेयर्स पे कोई स्टाइल यूज करना होगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो एक मेनू ओपन होंगे, उसमें बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए जिसका यूज हम कर सकते हैं। ये जो लास्ट में आपको एक बॉक्स की तरह, एक डिब्बे की तरह दिख रहा है, ये होता है
डिलीट लेयर आइकॉन, इस आइकॉन पे जब क्लिक करोगे आप तो वो लेयर क्या होगा, हम उसको लेयर को डिलीट कर सकते हैं। ओके तो इस लेयर को हम, ये लेयर पैलेट जो है वो हमको बहुत वर्क करेगा, इसका यूज करके हम बहुत सारे लेयर से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। क्लियर। तो आज लेयर क्या होते हैं हमको हमने सीखा, और लेयर पैलेट्स के डिफरेंट बटन्स के बारे में, डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में।